रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर को हुई करणी सेना के जिला महामंत्री के हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या करने वाले 3 आरोपियों को सुल्तानगंज गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। हत्या पुराने रंजिश को लेकर की गई थी। पुलिस के अनुसार 1 दिसंबर की रात करणी सेना के जिला महामंत्री जयपाल सिंह दागी की ढाबे पर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। दो तारीख को सुबह पुलिस को 10 बजे के करीब थाना सुल्तानगंज को सूचना मिली थी कि सुनवाहा ग्राम में ढाबे को संचालित करने वाले जयपाल की लाश उसके ढाबे के अंदर ही एक कमरे में बंद कमरे के अंदर मिली है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, FSL बुलाई गई, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई और सारे वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए गए। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और उनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुल्तानगंज, जिनके साथ हम लोगों ने उप निरीक्षक पवार और थाना सिलवानी से उप निरीक्षक चौहान, इनकी एक टीम बनाई और लगातार इस घटना को खुलासा करने का प्रयास हुआ। पहले चूँकि ये घटनाक्रम जिस परिस्थिति में था उससे कुछ राजनीतिक बातें आई थी, परंतु उन सब से हटकर पुलिस द्वारा गहराई से स्वतंत्रतापूर्वक विवेचना की गई और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 आरोपी सागर जिले के रहने वाले हैं और इनने पुरानी रंजिश पर से डंडों से उस मृतक जयपाल की हत्या करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त हथियार और उनके बाकी अन्य चीज़ें भी पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। विवेचना कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है।